नेपाल के तराई इलाके में लगातार हो रही बारिश और बिहार में मॉनसून आगमन के साथ ही पूर्वी चंपारण जिला में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लगातार हो रही बारिश के कारण जिलों से होकर बहने वाली कई बड़ी नदियां खतरे की सीमा को लांघ रही है। एक तरफ गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है तो वही दूसरी ओर बागमती नदी भी उफान पर है। बागमती के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से नदी का पानी जिला के कई प्रखंडों के दर्जनों गांव में फैल गया है। देवापुर घाट के पास नदी के उफान से सड़क पर लगभग 3 से 4 फीट पानी बह रहा है और मोतिहारी से शिवहर का सड़क संपर्क टूट गया है। देवापुर से शिवहर जिला के बेलवा गांव तक लोगों के आने जाने के लिए नाव का ही सहारा है और इस बार मानसूनी बारिश के कारण देवापुर और बेलवा के बीच कई वर्ष पूर्व से टूटे तटबंध के बीच से बागमती के पानी का तेज बहाव शुरू हो गया है। पताही और ढाका प्रखंड के कई गांव में बागमती का पानी फैलने लगा है। सड़कों पर पानी का तेज बहाव हो रहा है। खेत जलमग्न हो गए हैं। प्रखंड क्षेत्र के देवापुर जिहुली गुनाही गांव के नए इलाकों के खेतों में तेज गति से बाढ़ का पानी फैल रहा है। बाढ़ का पानी आने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। पताही अंचलाधिकारी सौरभ कुमार ने बताया कि लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसको लेकर उस क्षेत्र से होकर गुजरने वाली प्रमुख नदियों के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि प्रखंड क्षेत्र के किसी भी नदी या तालाब के आसपास ना जाएं। आने से क्या आपको समस्या है? धान में पानी पट गया है, घर में घुस गया है, आने जाने में परेशानी हो रहा है, अभी दुकान उकान खुला है, क्या क्या होगा। अब बाढ़ कब से पानी बढ़ रहा है? सुबह से पानी आया है, 5-6 बजे करीब से, अभी